मेरा नाम आसिया जमील है और मेरा निकनेम ईमान जमील है। ज़्यादातर लोग मुझे ईमान जमील के नाम से पहचानते हैं। कॉकटेल्स हैं जैसे सिंड्रेला है और जैसे हमारे पास स्नो वाइट, इस तरह की जो स्टोरी है इनको मैं रीराइट करती रहती हूँ। तो वो जैसे सिंड्रेला के कैरेक्टर एक वीक लड़की का दिखाया गया जो प्रिंस के इंतज़ार में होती है, इसी तरह स्नो वाइट में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का बताया गया है। तो इनके ख़िलाफ़ इनको दोबारा से रीराइट करना ये मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और मैंने उन लड़कियों को सेलिब्रेट किया है जो ब्राउन स्किन की होती है या ब्लैक की होती है। सो सेलिब्रेशन ऑफ ऑल कलर्स, क्योंकि ब्यूटी हर कलर में होता है। तो उनके लिए मैं छोटी छोटी कहानियाँ लिखती थी बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने बच्चों के साथ बहुत काम किया है जिनकी अर्ली एज में शादियाँ हो जाती हैं और उनको मैंने बहुत करीब से देखा है कि किस किस्म के मसाइल से वो गुजरती हैं, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल और बाकी जितने भी आप सोच सकते हो, फाइनेंशियल, हर किस्म के मसलों से गुजरती हैं। तो इसी तरह ये तमाम काफ़ी अरसे से मैं चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ। तो फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना एक दिन, क्योंकि अब लॉकडाउन हो गया, तो रिसेंटली मैंने लॉकडाउन के दौरान ही जब सब एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, तो मैंने नावल लिखना स्टार्ट कर दिया। और नावल का टाइटल जो मैंने दिया, प्रिंस हु डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, जिसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो वो शहज़ादा जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तो ये भी एक किस्म का जो माइंडसेट है, पैट्रियार्की है, उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ है कि हमेशा हम समझते हैं कि लड़कियों की ज़िंदगी में एक शहज़ादा आएगा जो उसकी मदद करेगा। तो मैंने उन नज़रियों को बिल्कुल इग्नोर किया, उनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई कि लड़कियां ख़ुद अपने लिए ख़ुद शहजादियां हैं और अपने लिए ख़ुद एक मकाम दुनिया में बनाएंगी और इंडिपेंडेंटली रहेंगी। सो दैट इज़ हाउ आई केम अप विद दिस आइडिया।